मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लमापिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान कुलविंदर सिंह से सपरिवार पंचोपचार पूजन नवग्रह पूजन के उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां जलवाई। श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत आए हुए भक्तजनों से अपनी बात कहते हुए सिद्ध माँ बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज दिव्य हवन पर उपस्थित प्रभु भक्तों को संत कबीरदास जी के जन्मोत्सव पर बधाई देते हुए संत कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहे का अनुसरण करते हुए कहा कि कबीर दास जी कहते हैं कि माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। मनुष्य का मन बड़ा ही विचित्र होता है। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, श्वेता भारद्वाज, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, बाबा खन्ना, मुकेश गुप्ता, अजीत कुमार, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, मनीष कुमार, संजय सोनू, नवदीप सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मापिंड चौक से उपस्थित है, उत्थे शनिदेव महाराज जी के निमित्त हवन यज्ञ जरा लगातार जो हर शनिवार किए जाते हैं, उस कड़ी के जो हवन यज्ञ किया गया। भगत सवेर तो ही जोड़े शनिदेव जी हवन करने पहुँच गए थे मंदिर प्रसाद के, और उन्होंने शनिदेव जी को अलग अलग तरह के नैवेद्य के नाल हवन यज्ञ किया और भोग लगाए। शनिदेव जी वहाँ कृपा कर सारे घर परिवार खुशियां रहन और मंगल की वर्षा हो। जय शनिदेव महाराज।